एंड वेलकम टू द स्पंदन अकेडमी। आज का हमारा विषय संस्कृत। संस्कृत व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय परिचय। तो जो हमारी प्रत्यय की परिभाषा है कि भाषो अथवा प्रतिपादक शब्द के अंत में जुड़कर विशेष अर्थ का जो बोध कराता है वह प्रत्यय होता है। तो शब्द में जो आगे लगता है उसे हम उपसर्ग बोल दो, शब्द के पीछे लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय क्या है? जो धातु अथवा प्रतिपादक शब्दों के अंत में जुड़कर जो विशेष अर्थ का जो बोध कराता है वह प्रत्यय होता है। तो जैसे कि हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि कृ प्लस कृतवत्, तो ये पूरा जुड़कर क्या होगा? कृतवान, जिसका अर्थ होता है क्रिया। फिर है लघु प्लस तरह, लघु तरह पूरा मिलाकर तो ये होता है अधिक छोटा। तो ये क्या होते हैं जो हमारे प्रत्यय के भेद होते हैं? तो हमारे प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है हमारा कृत प्रत्यय, दूसरा होता है हमारा तड़ित प्रत्यय। तो जो हमारा कृत प्रत्यय, दूसरा हमारा है तड़ित प्रत्यय। तो पहला है हमारा कृत प्रत्यय क्या होते हैं? तो जो वस्तुओं के अंत में जोड़े जाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि कत्वा, लय, कत्वत, तुमन, इत्यादि। तो ये सब हमारे कौन से प्रत्यय में आते हैं? कृत प्रत्यय में आते हैं। दूसरा है हमारा तड़ित प्रत्यय। तो जो प्रत्यय प्रतिपादित शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं वे हमारे तड़ित प्रत्यय कहलाते हैं। तो उनमें कौन कौन से आते हैं? जैसे तर, तम, अर्थ इत्यादि।